इस समय टाइम हुआ है 6:45। ये है देवशिला जिसका जो ट्रैक है लगभग 15 किलोमीटर का है, मास की दूरी है 4 किलोमीटर। बाबा ने बुलाया तो पहुंचा देता है। सीन बहुत अच्छा है, सीनरी बहुत अच्छा है, भोलेनाथ हमको लाए। यार दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल बजट ट्रैवलर। आज हम आए हैं बाबा केदारनाथ धाम की यात्रा पर। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आप जहां पर कैसे पहुंच सकते हैं। यात्रा करने के लिए जरूरी यात्रा रजिस्ट्रेशन, कार पार्किंग, रहने और खाने की व्यवस्था के बारे में भी जानकारी दूंगा। यात्रा के दौरान किन किन जगहों पर आपको कौन कौन सी फैसिलिटी मिलने वाली है इसके बारे में भी विस्तार से जानकारी दूंगा। केदारनाथ यात्रा को आप आसानी से कैसे तय कर सकते हैं इसके बारे में भी जानकारी दूंगा। मंदिर परिसर के आसपास मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन के बारे में भी बताऊंगा। वीडियो देखने के बाद भी आपके मन में कोई सवाल रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में डालकर पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द उनका जवाब दूंगा। तो चलो शुरुआत करते हैं केदारनाथ यात्रा की। केदारनाथ यात्रा की शुरुआत होती है सोनप्रयाग से, जो कि उत्तराखंड राज्य के डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग का एक छोटा सा गाँव है। सोनप्रयाग पहुँचने के लिए सबसे पहले आपको पहुँचना पड़ेगा हरिद्वार में। ये जो हरिद्वार का रेलवे स्टेशन है पूरे ऑल ओवर इंडिया से वेल कनेक्टेड है। आप जहाँ पर ऑल ओवर इंडिया से किसी भी जगह से ट्रेन लेकर पहुँच सकते हैं। रेलवे स्टेशन पर पहुँचने के बाद आपको जाना है बस स्टैंड में, जो कि बिल्कुल इसके सामने है। आपको दिखाता हूँ, यह है उत्तर रेलवे हरिद्वार और इसके सामने हरिद्वार का बस स्टैंड। बस स्टैंड के बाहर काफ़ी सारी शॉप्स हैं जहाँ से आपको डीलक्स बसेस, नॉर्मल बसेस मिल जाएंगी। सोनप्रयाग जाने के लिए हरिद्वार से आपको लोकल बसेस मिल जाएंगी, पर ये प्राइवेट बसेस हैं। इनका जो किराया है 700 रुपये से शुरू हो जाता है, जिसका किराया 1000 रुपये तक जाता है। यहाँ पर आपको सरकारी बस जो है सीधी हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए नहीं मिलेगी। सरकारी बस में जाना है तो उसके लिए पहले आपको जाना पड़ेगा ऋषिकेश, उसके बाद आपको वहाँ से सरकारी बस मिल जाएगी, जिसका किराया 400 से 500 रुपये के बीच में रहने वाला है उसका। हरिद्वार से ऋषिकेश के लिए फ्रीक्वेंट बस सर्विस है, तो आपको जहाँ के बस स्टैंड पर बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा। नियरेस्ट एयरपोर्ट देहरादून का है, जो कि सोनप्रयाग से 227 किलोमीटर की दूरी पर है। देहरादून एयरपोर्ट से बस और टैक्सी के माध्यम से आप सोनप्रयाग में पहुंच सकते हैं। अगर आप केदारनाथ यात्रा पर अपनी गाड़ी के माध्यम से आना चाहते हैं तो आपको कार पार्किंग को लेकर किसी तरह की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ की कार पार्किंग बहुत ही बड़ी है, अपनी गाड़ी की सुरक्षा के लिए अपनी गाड़ी को प्रॉपर जगह देख कर ही पार्क करें। जहाँ पर जो कार पार्किंग फीस है वो है पर 12 आवर्स की 100 रुपीज़। यात्रा रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपके पास आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड में से एक का होना अनिवार्य है, और उसके साथ आपके पास एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ का होना भी जरूरी है। सबसे पहला मेथड है वेब पोर्टल। आप उत्तराखंड गवर्नमेंट के इस वेबसाइट पर जाकर आसानी से अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मुझे सबसे आसान मेथड लगा व्हाट्सएप नंबर पर। आप इस नंबर पर यात्रा लिखकर मैसेज करें और उसके बाद आप जस्ट नो की ऑप्शन को सिलेक्ट करें और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। इस मेथड से आप सबसे आसानी से अपनी रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे। और तीसरा मेथड है आप इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें, जो जानकारी पूछी जाती है उसके बारे में बताएं। फोर्थ मेथड है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन पर टूरिस्ट केयर उत्तराखंड ऐप को डाउनलोड करें। इस ऐप के थ्रू भी आप अपनी यात्रा रजिस्ट्रेशन आसानी से करवा पाएंगे। पांचवा मेथड है ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन। आप हरिद्वार के राही मोटल GMBN पर भी अपनी यात्रा रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आप ऋषिकेश में यात्री रजिस्ट्रेशन ऑफिस एंड ट्रांजिट कैंप पर जाकर भी अपनी यात्रा रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इस समय हम पहुंच गए हैं सोनप्रयाग। आपको जहां पर काफ़ी सारे छोटे छोटे होटल मिल जाएंगे, जिनका रूम रेंट 1000 रुपये से लेकर 3000 रुपये के बीच में रहता है। सोनप्रयाग में आपको रूम की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं मिलेगी। अगर आप अपनी फैमिली के साथ आए हैं और अच्छे रूम ढूंढ रहे हैं तो आपको फाटा पर रुकना पड़ेगा। फाटा 16 किलोमीटर पहले आता है सोनप्रयाग से। फाटा के आसपास बहुत ही बढ़िया रोड साइड होटल एंड रिजॉर्ट्स हैं, जहां पर आप अपने बजट के हिसाब से रुक सकते हैं। इस रूम के हमने पे किए हैं 1500 रुपीज़। इस रूम में 4 लोग आराम से रह सकते हैं। वॉशरूम नीट एंड क्लीन था, गीजर लगा हुआ जहां पर। फाटा में नाइट स्टे करने के बाद जल्दी उठिए और पहुंच जाइए सोनप्रयाग, जहां तक पहुंचने में आपको सिर्फ आधे घंटे का समय लगेगा। अगर आप अपने साथ कुछ सामान लाना भूल गए हैं तो सोनप्रयाग की मार्केट से आपको मिल जाएगा। सोनप्रयाग पर पहुंचकर सबसे पहले आपकी रजिस्ट्रेशन स्लिप को चेक किया जाएगा, उसके बाद आपको आगे एंट्री दी जाएगी। सोनप्रयाग में आपको डोर मैटर भी मिल जाएंगे, जहां पर बेड का किराया 200 रुपये रहता है। जहां के टॉयलेट अच्छी कंडीशन में है। ब्रेकफास्ट करने के लिए जहाँ पर छोटे छोटे ढाबे भी हैं। इस समय हम पहुँच गए हैं सोनप्रयाग, जहाँ से हमें टैक्सी लेनी है, जिसका किराया है 50 रुपये, और आगे जाना है हमें गोरीकुंड तक। अगर आप केदारनाथ यात्रा हेलीकॉप्टर के थ्रू करना चाहते हैं तो आप वेब पोर्टल www.heliyatra.irctc
tatco.in पर जाकर अपनी टिकट बुक करवा सकते हैं, जहाँ की जो टिकट बुकिंग है 3 से 4 महीने पहले एडवांस में होती है। गुप्तकाशी से एक साइड का किराया 3840 और दोनों साइड का 7740 रुपये है। पाटा से एक साइड का किराया 2750 रुपये और दोनों साइड का किराया 5500 रुपये है। सिरसी से एक साइड का किराया 2479 रुपये है और दोनों साइड का किराया 5498 रुपये है। टाइम हुआ है 6:45 और अब हम जाएंगे वरिकुंड की तरफ टैक्सी लेकर। सोनप्रयाग टैक्सी स्टैंड की दूरी है 600 मीटर। इस दौरान आपके रास्ते में राइट हैंड साइड में आएगी मंदाकिनी रिवर और उसके बाद आएगा सोनप्रयाग गोरीकुंड ब्रिज। सोनप्रयाग टैक्सी स्टैंड से आपको मिलती है ऐसी जीप जो आपको लेकर जाती है गोरीकुंड तक 50 रुपये पर पर्सन के हिसाब से। सोनप्रयाग से गोरीकुंड की दूरी लगभग 6 किलोमीटर के आसपास है और टैक्सी पकड़ने और गोरीकुंड तक पहुंचने में आपका लगभग आधे घंटे का समय चला जाता है। यह है गोरीकुंड और जहां से होती है आपकी ट्रैकिंग की शुरुआत, जहां से जो ट्रैक है लगभग 15 किलोमीटर का है। गोरीकुंड में खाने पीने के लिए काफी सारी शॉप्स हैं, तो आप जहां पर भी अपना लंच ब्रेकफास्ट या डिनर एंजॉय कर सकते हैं। यह है पालकी की रेट लिस्ट। अगर आप पिट्ठू पालकी या घोड़ा करना चाहते हैं तो इसी गवर्नमेंट काउंटर से अपनी पर्ची कटवा कर आगे बढ़े। अब आपको गोरीकुंड के इसी बाजार में से होकर लगभग 500 मीटर की दूरी तय करनी है तो आपकी राइट हैंड साइड में आएगा गोरीकुंड का हॉट वाटर स्प्रिंग और इसके बिल्कुल साथ में है गौरी माता का मंदिर। गौरी माता के दर्शन करने के बाद ही अपनी केदारनाथ यात्रा को शुरू करें। गोरीकुंड के बाजार से ही आप अपने साथ कुछ फ्रूट लेकर आगे बढ़ें क्योंकि फ्रूट रास्ते में आपके बहुत ही काम आने वाला है। जहाँ पर है पोनी स्टैंड, गौरी माता मंदिर से लगभग 200 मीटर की दूरी तय करने के बाद आप पहुंच जाएंगे केदारनाथ ट्रैक स्टार्टिंग पॉइंट पर। अभी मैंने पिछले बोर्ड पर पढ़ा है कि जहां से जो केदारनाथ मंदिर की दूरी है वो है 15.5 किलोमीटर। जिस पॉइंट पर जीप ने हमें छोड़ा था वहां से अभी तक हम लगभग 1 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं। इस जगह से जो जंगल चट्टी की दूरी है वो है 3 किलोमीटर। मेरे साथी विशाल जी और ये पवार सर जो हमारे में से सबसे एज पर्सन है वो पवार जी है, 62 एज की एज है इनकी। जो बात मुझे जहाँ पर सबसे अच्छी लगी वो है कि जहाँ पर रास्ता वेल डिफाइंड है, जहाँ पर रास्ता भटकने जैसी कोई गुंजाइश नहीं है। पूरे रास्ते में आपको खाने पीने के लिए राजमा चावल, दाल चावल और चाय, कॉफ़ी, स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक और चॉकलेट, मैगी जैसी आइटम्स मिल जाएंगी। तो आपको जहाँ पर खाने पीने की चीज़ों को लेकर टेंशन लेने की किसी तरह की कोई ज़रूरत नहीं है। रास्ते में काफ़ी जगह पर शेड्स हैं जहाँ पर बैठकर आप आराम भी कर सकते हैं और बारिश से भी बच सकते हैं। रास्ते में काफ़ी जगह पर ऐसे सुलभ शौचालय हैं जो कि वेल मेंटेन है। पालकी जहाँ पर आकर जो आपको सबसे बड़ी परेशानी आएगी वो आएगी खच्चरों की, क्योंकि पूरे रास्ते में खच्चर आपके साथ ही चलते रहेंगे। जी कैसा एक्सपीरियंस लग रहा है यहाँ पर आकर? बहुत बढ़िया लग रहा है, बड़ी सुखद है। अगर आप पैदल चले यहाँ पर 3-4 तरीके से आया जा सकता है, एक हेलीकॉप्टर से, दूसरा आप घोड़ों से भी आ सकते हैं, यहाँ पर बग्घी की व्यवस्था भी है। तो सारे तरीके से आप चार धाम की इस यात्रा में केदारनाथ की यात्रा कर सकते हैं। मुझे पर्सनली ये लगता है कि अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो पैदल करें। इस पैदल यात्रा में एक ही समस्या है यहाँ पे, ये जो खच्चर साथ में चलते हैं ये आपकी मोशन को थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं। अभी सामने आपको स्नो लेडन पहाड़ भी दिखाई दे रहे होंगे, अभी शायद इस वीडियो में ज़्यादा से कैप्चर ना हो। पहाड़ों में जब भी आप ट्रैकिंग करते हैं तो रास्ते में खीरे और फ्रूट जूस खाएं, इससे आपके बॉडी में वाटर लेवल मेंटेन रहता है। खीरे और फ्रूट की प्लेट है जो है 50 रुपये। पहाड़ों में ट्रैकिंग करने का बहुत ही सिंपल तरीका है कि आप धीरे धीरे चलें, इससे आपकी सांस नहीं फूलेगी। इस जगह से बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है तो आप जहाँ पर छोटे छोटे स्टेप लें और अपने रास्ते को तय करें। जहाँ पर है एक मेडिकल फैसिलिटी, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप जहाँ से मेडिसिन ले सकते हैं। और इस जगह का नाम है चीरबासा और ये जगह है जंगल चट्टी से लगभग 1 किलोमीटर पहले। इस समय हम पहुंच गए हैं भैरव मंदिर चीरबासा पर। सीन बहुत अच्छा है, सीनरी बहुत अच्छा है। जो यहाँ केदारनाथ जी वहाँ बैठे हैं तो हिमालय के पास काख में, ये बाइट इज वेरी फाइन एक्चुअली। ओके थैंक यू। हाँ पहले आया हूँ 2021 मई में। 2021 मई में आए थे आप, तो कैसा अनुभव रहा पहली यात्रा? अनुभव पहला यात्रा बहुत अच्छा था, मतलब रास्ते पर एक साथ 1 लाख 1.5 लाख लोगों की एंट्री, सुपर
ऐसे उत्तराखंड की तरफ से व्यवस्था की अच्छी सुविधा थी, क्योंकि उस टाइम पे अभी जैसे सर्दी है उस टाइम सर्दी नहीं था, तो लोगों की साथ भी मिलती है, एक दूसरे के साथ बड़ा हाथ बढ़ाकर चलते हम, बाबा ने बुलाया तो पहुंचा देता है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। काफी ऊंचा वाटरफॉल है ये और हल्का हल्का पानी है। रास्ते में मैंने बहुत से श्रद्धालुओं से बातचीत करके उनकी यात्रा के अनुभव के बारे में पूछा, तो लगा कि शिव भक्तों की थकान तो भोले बाबा खुद ही मिटा देते हैं। तो कहाँ से आए सर आप? हम बलसौर से आए, गुजरात। गुजरात, गुजरात से आए आप लोग? कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। थकान फील कर रहे हो यहाँ पर? थकान फील करते हैं, लेकिन एक्साइटमेंट में थकान भी नहीं लगती है, क्योंकि वो बाबा के पास जाना है, ऐसा एक्साइटमेंट होता है, इसीलिए। इस समय हम पहुंच चुके हैं जंगल चट्टी के बिल्कुल पास में। इस समय टाइम हुआ है सुबह के 11 बजे हैं और इस समय हम पहुंच चुके हैं जंगल चट्टी में। रास्ते में जो साइन बोर्ड्स हैं और उन पर जो डिस्टेंस लिखा हुआ है उनको देखकर लगता है कि वो करेक्ट नहीं है। इस साइन बोर्ड के अनुसार इस समय हम भीमबली से लगभग आधा किलोमीटर पहले हैं। इस समय हम रामबाड़ा से 1 किलोमीटर पीछे हैं। इस समय हम पहुँच चुके हैं भीमबली में और इस जगह से जो केदारनाथ की दूरी है वो है 10 किलोमीटर। इस जगह पर भी नाइट स्टे की सुविधा है। जगह है भीमबली, जहाँ पर पोनी प्रीपेड काउंटर है, यहाँ पर रेट्स लिखे हुए हैं। जहाँ पर अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा थक चुके हैं और आगे पैदल नहीं चल सकते तो आप इस प्रीपेड काउंटर से घोड़ा लेकर आगे जा सकते हैं। इस समय हम पहुँच चुके हैं रामबाड़ा के पास और जहाँ पर है न्यू मदाकिनी ब्रिज। रामबाड़ा के पास पहुँच कर दो रास्ते बन जाते हैं। एक रास्ता जाता है न्यू मंदाकिनी ब्रिज के ऊपर से, जहाँ से जाते हैं खच्चर और घोड़े वाले, और दूसरा रास्ता जाता है रामबाड़ा की ओर, जहाँ पर खच्चरों की आवाजाही थोड़ी कम है। रामबाड़ा पहुँचने से पहले आपके रास्ते में आएगा एक नेचुरल वाटरफॉल। इस समय हम पहुँच चुके हैं रामबाड़ा में। अगर आप रामबाड़ा में पहुँच कर थकान फील कर रहे हैं तो ये नॉर्मल बात है, क्योंकि जो रामबाड़ा का एल्टीट्यूड है वो है 2750 मीटर और जहाँ पर जो ऑक्सीजन लेवल है वो है 14.8%। ये है रामबाड़ा का ब्रिज। रामबाड़ा के बाद काफी खड़ी चढ़ाई है यहाँ पर। रामबाड़ा के ब्रिज को क्रॉस करने के बाद आप छोटे छोटे स्टेप लें और धीरे धीरे चलते जाएं और जल्दबाजी ना करें। रास्ते में जहाँ पर पॉसिबल हो वहाँ पर पानी या फिर नींबू पानी जरूर पिए, इससे आपके बॉडी में वाटर और सॉल्ट लेवल मेंटेन रहेगा। हाय गाइस, यहाँ से केदारनाथ 8 किलोमीटर रह गया है। कुछ लोग यहाँ पर शॉर्टकट लेते हैं, ऐसी गलती ना करें। पूरी यात्रा में अगर कुछ आपको सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है वो है जहाँ के खच्चर और पालकी वाले, जो कि हर 2 मिनट में आपसे रास्ता मांगते हैं। पहाड़ी टूरिस्ट प्लेसेस पर जाकर हमें नाराजगी रहती है कि जहाँ पर हर चीज़ महंगी मिलती है, उसका मेजर कारण है जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही महंगी पड़ती है। जहाँ तो खच्चरों से ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है या फिर ऐसे ट्रैक्टर से। पूरे केदारनाथ यात्रा में हर 10 मिनट में आपके सिर के ऊपर से ऐसे हेलीकॉप्टर निकलते हैं जो आपको काफ़ी डिस्टर्ब करते हैं। केदारनाथ यात्रा के दौरान अपने साथ एक अच्छी क्वालिटी का रेन सूट जरूर कैरी करें, क्योंकि जहाँ पर मौसम जो है एकदम से बदल जाता है, पता नहीं चलता कब ट्रेंशियल रेनफॉल आ जाए। इस समय हम पहुँच चुके हैं लिंचोली में और इस समय शाम के बजे हैं 4, जहाँ पर बहुत सारे टेंट्स हैं। जहाँ का जो माहौल है एक छोटे शहर जैसा है। ये एक बहुत ही बड़ा बेस कैंप है, तो आपको जहाँ पर खाने पीने और रहने की सुविधा मिल जाएगी। लिंचोली का जो एल्टीट्यूड है वो है लगभग 3250 मीटर और जहाँ पर जो ऑक्सीजन लेवल है वो है 13.8%। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट gmbnonline.com पर जाकर जहाँ पर टेंट बुक करवा सकते हैं। इस जगह पर पहुँचकर कई लोगों को बहुत तेज सर दर्द होता है। ऐसा तब होता है जब हम जल्दी जल्दी एल्टीट्यूड गेन करते हैं। अगर आपको ऐसी कुछ प्रॉब्लम है तो आप यहीं पर नाइट से करिए, ताकि आपकी बॉडी हाई एल्टीट्यूड पर अपने आप को एडजस्ट कर पाए। इस जगह से बाबा केदारनाथ की दूरी रह गई है 4 किलोमीटर। इसके बाद जो आगे का ट्रैक है वहाँ पर ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, तो आप बहुत जल्दी इसको तय कर लेंगे। इस समय हम पहुँच गए हैं पोनी स्टैंड पर और जहाँ से बाबा केदारनाथ की दूरी है 2 किलोमीटर। यह है घोड़ों और खच्चरों के लिए निर्धारित रेट लिस्ट, जो कि गवर्नमेंट द्वारा तय की जाती है, और जहाँ से कुछ ही दूरी पर है मेडिकल रिलीफ पॉइंट। इस समय शाम के लगभग 5:30 बजे हैं और जहाँ पर बादलों के कारण काफ़ी अंधेरा हो गया है। इस समय हम पहुँच चुके हैं केदारनाथ के बेस कैंप पर। ये जो बेस कैंप है लगभग 1 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, जहाँ पर बहुत सारे टेंट्स हैं और मंदिर के आसपास बहुत सारे होटल्स और धर्मशालाएँ हैं।
सीजन के दौरान जहाँ पर एक टेंट का जो चार्जेस है 4,000 रुपीज़ तक चला जाता है। जब ऑफ सीजन रहता है तो ये चार्जेस 2,000 रुपीज़ तक आ जाता है। केदारनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए हम लोग जल्दी जल्दी रास्ता तय करते गए और लगभग 6:30 बजे पहुँच गए केदारनाथ मंदिर परिसर के बिल्कुल पास में। हमने केदारनाथ मंदिर के बाहर से ही दर्शन किए और पहुँच गए होटल में। रात के समय में जहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है, रात हमने होटल में काटी और सुबह 6 बजे पहुँच गए केदार बाबा के दर्शन करने के लिए। बाबा केदारनाथ के दर्शन करने में हमें लगभग 4 से 5 घंटे का समय लग गया। ये है बोशिला जिसके कारण केदारनाथ मंदिर आज भी सुरक्षित है 2013 में आई भयानक त्रासदी के बावजूद। इस शिला को कुछ लोग भीमशिला और कुछ लोग देवशिला के नाम से भी पुकारते हैं। कुछ लोगों के लिए इस चट्टान का इस जगह पर पहुंचना इत्तेफाक से एक्सीडेंट हो सकता है, पर मेरे लिए ये चट्टान भोले बाबा का आशीर्वाद है उन पर अपार श्रद्धा रखने वाले भक्तों के लिए। केदारनाथ मंदिर का इतिहास महाभारत काल के पांडवों से जुड़ा हुआ है। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों को इस बात की आतंक गलानी थी कि उन्होंने अपने भाई बंधुओं और गुरुओं की हत्या की है, तो श्री कृष्ण जी के कहने पर उन्होंने भगवान शिव की आराधना की। महाभारत के समय यानी द्वापर युग में केदार क्षेत्र में ही शिव जी ने पांडवों को बैल के रूप में दर्शन दिए थे। जिस मंदिर को आप आज के रूप में देख रहे हैं, इसका निर्माण आदि शंकराचार्य ने 8वीं से 9वीं सदी के बीच में करवाया था। अब बात करते हैं केदारनाथ मंदिर के आसपास प्रमुख धार्मिक स्थलों की। केदारनाथ मंदिर के बिल्कुल बैक साइड में है आदि शंकराचार्य जी का समाधि स्थल। हमने जहाँ के पुजारी से बातचीत करके आदि शंकराचार्य जी के बारे में जानने की कोशिश की। हाँ, शंकराचार्य जी का जन्म जो है हुआ कालड़ी में, केरला की जगह है कालड़ी। 8 साल की उम्र में ये प्रकांड विद्वान, चारों वेदों के प्रखर वक्ता, प्रभक ज्ञान ज्ञान जानकार, भारत में इन्होंने सनातन धर्म जो है एक बार जो है रसातल के अंदर चले गया। 1500 साल पहले की बात है। तो ये इन्होंने ठान ली जो है आगे इन्होंने बढ़ाया सनातन धर्म को, जो है चार धाम चार मठों की स्थापना की और धर्म का प्रचार प्रसार कराया। कालड़ी में जन्म हुआ, यहाँ इन्होंने लास्ट जो है समाधि ली 32 साल की उम्र में। 32 साल की मात्र 32 साल की उम्र में भगवान केदारेश्वर का मंदिर जो है इन्होंने ढूंढा। 400 साल तक जो है मंदिर दबा हुआ था बर्फ के अंदर, तो भारत के लोगों को जोड़ा पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण करके। आपको पता है केदारनाथ के मंदिर में मैन पुजारी कौन है? साउथ के पुजारी हैं, रहते ही यहाँ। अच्छा, तो ये व्यवस्था इन्होंने बढ़ाई कि हमारा साउथ का यहाँ होगा, यहाँ का जो है साउथ में होगा, और यहाँ का मतलब अभी जो हिमाचल वगैरह के लोग हैं वो वहाँ पर साउथ में बहुत से लोग होते हैं। हमारे पुरी और द्वारिका जी की में भी ऐसा ही सब का कुछ होता है, और नेपाल के लोग जो है कुछ यहाँ पे जो विश्वनाथ मंदिर बनारस में, कांचीपुरम, तो ये जो है ये व्यवस्था इन्होंने बनाई सनातन धर्म को जो हमारा सनातन धर्म के लिए। धन्यवाद, जय हो कर मंगल मोदी, आ जाओ। मंदिर परिसर से लगभग 400 मीटर की दूरी पर है रेतस कुंड केदारनाथ। ये एक चमत्कारी कुंड है जहाँ पर शिव का नाम लेने मात्र से पानी में से बुलबुले उठते हैं। केदारनाथ मंदिर परिसर से लगभग 800 मीटर की दूरी पर है श्री भैरवनाथ टेम्पल। भैरवनाथ जी को केदार घाटी का रक्षक माना जाता है। अगर आप ट्रैकिंग करने के शौकीन हैं तो जहाँ पर भी आप 800 मीटर का ट्रैक करके जा सकते हैं। इस जगह से आपको केदारनाथ घाटी के बहुत ही शानदार नज़ारे देखने को मिलेंगे। तो ये था हमारा केदारनाथ यात्रा पर आज का ब्लॉग। अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ जुड़ सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम।